तो मतलब वहाँ पे काउंटडाउन चल रही है, तो आपको काउंटडाउन खत्म होने से पहले पहले भागना पड़ेगा। हॉर्स राइडिंग वगैरह और पूरे इस टाइम ठंड है। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मतलब मैं कनाडा आ गया हूँ और मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बेसिकली ये ब्लॉग अब है, यह है डाउनटाउन ब्रैम्पटन का। तो अभी टोरंटो वगैरह साइड भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, पर अभी धीरे धीरे करते हैं। तो मैं आज सैटरडे संडे था तो मेरे को काम से छुट्टी थी, तो मैंने सोचा एक बार गेड़ा लगा के आते हैं। तो बेसिकली ये है ब्रैम्पटन सिटी सेंटर, मेरे बिल्कुल पीछे है ये। और मतलब जैसे कि यहाँ क्रिसमस वगैरह आ रही है, तो क्रिसमस की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। बस होप यह है, फिंगर क्रॉस है, कि कोविड का कोई पंगा ना पड़े तो बहुत बढ़िया निकल जाएगा। अगर कोविड का कोई पंगा आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे तो कोई नहीं है। तो मैंने सुना है यहाँ पे मतलब न्यू ईयर वगैरह पे टोरंटो में बहुत फायर वर्क्स वगैरह होते हैं, तो होप कि वहाँ जाएंगे ज़रूर। तो अभी के लिए हम घूम रहे हैं टोरंटो ब्रैम्पटन में, तो सही है यहाँ पे मतलब आसपास ना, जैसे गाड़ियाँ वगैरह आप गाड़ी साइड पे कार अपनी पार्क कर सकते हो लेन में, और मतलब कि चल के जा सकते हो, स्ट्रीट्स वगैरह घूम सकते हो, बाकी खाने पीने की शॉप्स वगैरह हैं तो वहाँ पे आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पे बंदा अकेला बोर हो जाएगा, फ्रेंड्स अगर साथ होंगे तो बढ़िया रहेगा, अकेले लायक नहीं है यहाँ पे। और जो लोग मतलब इस टाइम जो इंडिया में हो या तो बट देख रहे हैं, मैं बताऊँगा कि कनाडा अच्छा है, मतलब ठीक है, घूमने वूमने लायक बहुत बढ़िया है। बाकी तो सब पता ही है, ऑलमोस्ट पंजाबी सबको पूरी नॉलेज होती है, मैं इतनी ज़्यादा दे ही नहीं सकता जितनी सब लोग को, ऑलमोस्ट सबके पास सबको पता ही होता सब कुछ। तो बेसिकली ये है कि थोड़ा सा मैं मतलब घूम रहा हूँ तो साथ साथ ब्लॉगिंग भी चल रही है। तो अब आपको लेके चलते हैं आगे, स्ट्रीट्स वगैरह दिखाता हूँ मैं, तो आप आगे अभी इन्जॉय करो स्ट्रीट्स। बेसिकली कुछ ऐसा है ये सारा दिखने में, तो ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, मतलब राइड्स वगैरह चल रही हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह, और पूरी इस टाइम ठंड है, हवा वगैरह पूरी है, और स्नोफॉल भी हो सकता है, तो स्नोफॉल होएगी तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये है पूरी डाउनटाउन स्ट्रीट है ये पूरी। तो अभी टेम्परेचर हो रहा है ये, अगर आप देख सकोगे तो ब्रैम्पटन बढ़िया है, ऑलमोस्ट सब लोग आए हुए हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं, पीछे जैसे कि स्टोर शॉप्स हैं खाने पीने की, यह सारा है। तो मतलब बढ़िया चल रहा है सब, अपना अपनी ही वाइब में है, कोई यहाँ पे ज़्यादा मतलब वो नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी। मतलब कोई भी एक दूसरे को मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं जैसे कैमरा उठा रहा हूँ तो मुझे मतलब ऐसा कि देखें लोग, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मली यहाँ पे। तो ये है ब्रैम्पटन सिटी हॉल, और इस साइड तो सी देख सकते हो मतलब कि सारी मतलब ऑलमोस्ट सारी वही मतलब वही खाने पीने की शॉप्स वगैरह हैं, मतलब अपने आके इन्जॉय कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ सब, तो मतलब देखने में भी बहुत बढ़िया है। तो मतलब यहाँ की जो वाइब है ना वो बिल्कुल अलग सी है, अगर कह सकते हैं, मतलब थोड़ी सी मतलब क्या है, कैनेडा आ गया था, इतने दिन से कैनेडा आया था, लग नहीं रहा था कि कैनेडा है, क्योंकि सब वैसे ही नॉर्मल काम है, तो यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि अब जैसे घूमने वगैरह निकलूँ। तो बेसिकली यहाँ पे सब लोग आते हैं इवनिंग वॉक के लिए, स्नैक वगैरह करने के लिए, या अपने बच्चों को घुमाने के लिए। तो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज आई हुई हैं, उन बच्चों के मतलब फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, इस टाइम आ गए बस के बूथ में, तो कुछ ऐसा होता है बस का बूथ। तो अभी यहाँ पर बस आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ पर मतलब सब लोग ट्रैवल करते हैं जिनके पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं हैं, या जो मतलब अपना व्हीकल के नहीं है, तो वो लोग सब मतलब ऑलमोस्ट सारी बस वगैरह से ट्रैवल करते हैं। तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है और रात को बंद होती है 1 बजे, फिर दोबारा 5 बजे शुरू होती है। तो मतलब बहुत सही है, अगर आपने कहीं भी जाना है दूर साइड, जैसे मिसिसिपी हो गया, वुहान हो गया, जहाँ भी मतलब साइड साइड पर जाना है, तो आप लोग बस से आराम से जा सकते हो। जैसे मैं भी अभी आया हूँ, तो ट्रैवल अभी किसने व्हीकल वगैरह तो मेरे पे भी नहीं है, तो मैं भी यहाँ पर सारा मतलब बस वगैरह में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बस का शेड्यूल सारा मैप पे शो हो जाता है कि इतने बजे आएगी इतने बजे। तो अब जैसे मेरी बस है वो 8:47 पे आने वाली है, तो इस टाइम 8:36 हो रहा है, तो 15 मिनट है, 10 मिनट। तो मैं यहाँ पे इसलिए पहले आ गया था कि आप लोग को दिखा सकूँ। और यहाँ पे पीछे स्क्रीन है,
तो जहाँ पे सारा शो होना था कि जैसे मेरी है 2 नंबर बस तो लिखा है 9 मिनट्स में आ रही है, तो ऐसे ही सारी ऑलमोस्ट सारी बसेस का यहाँ पे आ जाएगा जो इस बूथ पे रुकनी होगी। अगर मैं ऐसा करूँ तो आपने अगर राइट साइड जाना है तो बस इस साइड से होगी, और अगर आपने उस साइड जाना है लेफ्ट साइड जाना है तो बस दूसरी साइड से होगी। मतलब मुझे बताया कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मतलब मैंने आपको सारा दिखा बता रहा हूँ, ठीक है ऐसा भी मतलब ये भी ज़रूरी है बताना। तो मतलब कैसा है कि अगर मैप पे आपने डाला है कि आपने इस लोकेशन पे जाना है, तो वहाँ पे ना पूरी एक मतलब लाइन से बन जाती है, और जहाँ जहाँ बस रुकनी होती है वो एक स्टॉप्स होते हैं। तो मतलब जैसे कि अब मेरी जो बस है वो मतलब मेरे जहाँ जाना है वो 4 स्टॉप रुक के है, ठीक है ना, 4 स्टॉप बाद है वहाँ लोकेशन। तो मतलब जब 3rd लास्ट जो स्टॉप होगा उस डॉट को क्रॉस करेगी ना बस, तो आपको प्रेस करना होता है बटन, तो फिर तभी बस रुकेगी। अगर आपने नहीं प्रेस करा तो मतलब कि नहीं आप आगे चले गए, अगले स्टॉप पे उतरना पड़ेगा। मुझे भी अभी ताज़ा ही पता लगा ये सब। मैं भी पहले दिन तो बहुत मतलब घूमा फिरा हूँ, पहले दिन मैं भी आगे निकल गया था, पता ही नहीं चलता था बस का, बट धीरे धीरे यहाँ समझ आ जाएगा। मतलब ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर एक आधा स्टॉप आगे उतर गए तो वहाँ से दूसरी बस मतलब मिल जाती है, एकदम नहीं मिलेगी तो 5-6 मिनट में मिल जाएगी, ज़्यादा जल्द मतलब लेट नहीं होगा। तो सारा ऐसा ही है, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग मतलब बस वगैरह पे ट्रैवल करते हैं जिनके पास अपना व्हीकल नहीं है। बट हाँ ये है कि यहाँ पे अपना व्हीकल ज़रूरी है, क्योंकि स्नोफॉल में आप लोग मतलब होते ही है कि वेट करना इतनी इतनी देर, तो वो मुश्किल है। तो अभी मैं इसलिए बस समझ रहा हूँ क्योंकि बाहर हो गई है स्नोफॉल शुरू, तो अभी तो मतलब दिखेगी नहीं ज़्यादा, बट यहाँ ये है कि सुबह तक सारी स्नो भर जाएगी अगर पड़ती रही पूरी रात। तो बस ऐसे ही है यहाँ का वीकेंड, बाकी बढ़िया चल रहा है। हाँ जी गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो है बस, तो जो मुझे उतार के गया, मतलब ये स्टॉप्स बने हुए हैं, मतलब बस कभी भी टर्न, ज़्यादातर बस है टर्न नहीं लेती, बिल्कुल सीधा सीधा चलती है, और मतलब जहाँ आपका स्टॉप आया वहाँ उतर जाओ। आप मेरे को यहाँ से पूरा पीछे तक चल के जाना है, तो ज़्यादा नहीं है 800 मीटर्स या कभी कभी तो बिल्कुल ही घर के बाहर वाले स्टॉप पे तक की बस मिल जाती है। मतलब अलग अलग टाइमिंग्स है, अलग अलग जगह से अलग अलग बस है, तो यही सब है ट्रांजिट का, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब समझना पड़ेगा आके। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे रोड कैसे, मतलब जैसे इंडिया में होता था ना इधर उधर देखा भाग के क्रॉस कर ली, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। मतलब कई जगह पे है कि जहाँ पे साइन वो नहीं लगा हुआ, आप लोग कर सकते हो क्रॉस आगे पीछे देख के, बट जहाँ पे मतलब पूरी लाइट्स वगैरह हैं तो वहाँ पे तो वेट ही करना पड़ेगा अपनी टर्न का। मतलब वहाँ पे जाके आप बटन प्रेस करो, जब सामने लाइट होगी तभी मतलब क्रॉस कर सकते हो। अगर वाइट लाइट नहीं है, चलने वाला साइन नहीं हुआ, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो जैसे कि अब हम आ गए हैं बिल्कुल लाइट्स के पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्रॉस करनी है रोड। तो ये है यहाँ पे पोल पे बटन लगा हुआ है, ये बटन को प्रेस किया, अब सामने लाइट हो गई। तो मतलब वहाँ पे काउंटडाउन चल रही है, तो आपको काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले पहले भागना पड़ेगा। तो काउंटडाउन होगी ख़त्म, और अगर बीच में मतलब काउंटडाउन ख़त्म हो गई फिर नहीं आप क्रॉस कर सकते। तो ऐसा है, मतलब अगर आप उधर से आ रहे हो तो वहाँ बटन दबाना है, सामने से आ रहे हो तो यहाँ बटन दबाना है, इधर से उधर जाना है तो भी बटन दबाना है। तो यहाँ पे सारे सिस्टम ऐसे हैं। हाँ मतलब ये नहीं कि आपको रोड वगैरह पे वॉक करनी है, वॉक करने के लिए अलग से एक पास बना हुआ है, ये पूरी लाइन वॉक करने के लिए, साइकिलिंग के लिए, हर जगह ही है, और वो रोड है। और मतलब घर के बाहर इतनी जगह छोड़ना मैंडेटरी है, जैसे कि ये सब ने ऑलमोस्ट सभी ने छोड़ी होती है। मतलब यहाँ छोटे छोटे ऐसे ऐसे घर हैं, ये उनकी छत है, ये वो हट्स टाइप की बनी हुई हैं। अब जैसे ये आपने देखा कि अभी लाइट ऑन हो गई, ये लाइट इसलिए ऑन हुई क्योंकि इसने सेंस कर लिया कि जैसे कोई कार या मतलब ये लोगों ने लाइट्स वगैरह ऐसी लगी होती है कि जैसे कोई कार आई, अब आप घर के बाहर आए हो तो अपने आप लाइट जग पड़ेगी। कई कई जगह पे होता है कि ताकि आराम से ईजी हो, पार्क करके आराम से बंदा तुर के जा सके घर के अंदर, ये कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं होता। मैं और बहुत सारे घर के पास से निकल रहा हूँ बट कहीं लाइट नहीं चल रही। तो ये सब फीचर्स यहाँ, मतलब फीचर कह लो, थोड़ा सा अपग्रेडेड कह लो, ये सब है यहाँ पे। तो अब बहुत ठंड हो गई है, तो अब हम चलते हैं अपने घर के अंदर, आ ही गया बस घर मेरा, और फिर आगे जाके आपको मिलते हैं। तो गाइस इस टाइम बाहर पूरी स्नोफॉल हो रही है और मैं आ गया हूँ घर के अंदर। तो आपने जैसे कि देखा सारा बस ट्रांजिट वगैरह सब कुछ देख लिया,
कैसे रोड वगैरह क्रॉस करना है ये सब भी है। तो मतलब यही सब चीज़ें हैं, मतलब सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं यहाँ पे कनाडा में, और ऑलमोस्ट हर जगह ही जो भी रूल है वो लिखा है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब आप कहीं पे स्पिट नहीं कर सकते, रोड ऐसे बीच से क्रॉस नहीं कर सकते, बस कहीं से आप नहीं चढ़ सकते, जो स्टॉप है वहीं से चढ़ना पड़ेगा अगर क्रॉस करनी है तो, बटन जैसे कि आपने देखा। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाता रहूँगा अलग अलग वीडियोज़ में, तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।